वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूले। आज हम लेके आया है नया टॉपिक। इस टॉपिक में है राजनीति के बारे में। आज हमारे बीच विवेक अग्नोत्री ने जो कहा है, इन चीज़ों के आप लोग गौर से सुने। विवेक अग्नोत्री ने कहा है कि सारे नेता मिलकर मोदी को हराना चाहता है, लेकिन उसे कोई ये परवाह नहीं है कि हमें भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त करना है, हमें देश का किस ऊंचाई तक लेके जाना है। लेकिन आज मोदी ने हमारे देश को कहां से कहां लेके आया है और वे कहां लेकर जाना चाहते हैं, ये कोई नहीं देखता है। विरोधी सिर्फ मोदी को हराना चाहता है, जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है। ये सभी मिलकर देश को लूटना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि मोदी ने अब तक क्या क्या काम किया है। मैं बात कर रहा हूँ अनुच्छेद 370 और 35A को, जो जम्मू कश्मीर से हटाया है हमारे नरेंद्र मोदी ने, देश का पीएम। आज तक बहुत सारे नेता ने कोशिश की है, सिर्फ कोशिश किए हैं और कोशिश करके ही रह गया, लेकिन हमारे मोदी ने ये कर दिखाया है देश का स्वतंत्र करके किस तरह से होता है, देश को किस तरह से आज़ाद मिलता है, ताकि हमारे देश का हर पब्लिक हर स्टेट में जाकर अपना धंधा कर सके, अपना कोई सा भी काम कर सके, इसके लिए स्वतंत्र दिया है हमारे देश का पीएम। आज उसी देश का पीएम को हराने के लिए बहुत सारे नेता ने मिलकर के एकजुट होकर के गठबंधन करके हमारे देश का पीएम को हराना चाहता है, देश को लूटना चाहता है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि सारी जनता जागरूकता हुए और हमारे देश को विनाश होने से रोके। हम बताएंगे राम मंदिर, राम मंदिर जो है कितने सालों से चलते आ रहा है केस, लेकिन आज तक सुलझा नहीं। इसका क्या सही है क्या गलत है, इस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये हमारा पीएम और उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है, राम मंदिर का फैसला पूरा कर दिखाया है। और हमारे मुसलमानों भाइयों बहनों में जो बच्चा अनगिनत होते थे और उसके बाद किसी भी छोटी सी दिक्कत पे उसे तलाक दिया जाता था बिना मर्जी का, बिना कोई विवाद, बिना कोई बात का, आज वे तीन तलाक को भी खारिज कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। आज के बाद कोई भी अगर किसी भी नागरिक को अगर तलाक देते हैं, उसको सारी जानकारी सारी कहानी आपको देना होगा, किस लिए देते हैं, क्यों देते हैं, ये सारे चीज तीन तलाक जो है सारे बंद कर दिए हैं। और हम बात करेंगे आज देश का पीएम जो हमारे देश को किस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं। और आप लोगों से एक ही भी निवेदन है कि हमारे देश का पीएम को खोए ना, हमारे देश को साथ दे और देश को आगे बढ़ने में हम सब मिलके हाथ बढ़ाए, ताकि हमारे देश को एक नई ऊंचाई तक जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।